तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए गाइस। गाइस, आज का ये सीन है कि अपने गांव में एक स्कूटी हो रखी ख़राब। उसकी जो फ्यूज है, करंट की जो तार होती है, वो ख़राब हो गई है। काम नहीं कर रही, स्टार्ट नहीं हो रही। बिकॉज मैं उसी में बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ढलान था और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। कोई गाड़ी का साधन भी नहीं है, तो हम ले जाएंगे यहाँ से इसको धक्का मार के। आप देख लो एक बार स्कूटी को, चेक कर रहे हो, ये स्कूटी है और चढ़ाई अभी पूरी, मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर तक लगभग लगभग चढ़ाई है। चलते हैं, अभी चलते हैं रथवाड़ा, सीधा आपको मिलते हैं रथवाड़ा मैकेनिक के सामने। रास्ते में दिखाते हैं आपको थोड़ा व्यू। चलो, चेक कर रहे हो गाइस, पसीना मेरा दे यार, अभी इनको देखो, गाड़ी बीच रास्ते में हो गई बंद। चेक कर रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ कितना पसीना हो गया है मेरे को, देख रहा हूँ पूरा पसीना से तरबतर। अब तो खैर ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर बचा है, 3 किलोमीटर रास्ता पार कर चुके हैं भाई, 3 किलोमीटर। और चढ़ाई है, ऐसा भी नहीं है प्लेन भी नहीं है, चढ़ाई है बस पूरी। अब 5 किलोमीटर भाई पहाड़ में ले जाना बहुत ही टफ होता है, तुम समझोगे नहीं इस बात को भाई। जिसके साथ वो होगा ये हादसा तो वो तो समझ ही देगा, लेकिन होना क्या है। और गाइस, अभी हम कुछ इस प्रकार के एरिया में, देखो चारों तरफ जंगल है, देखो बैक कैमरे से दिखता हूँ, ये चक्कर भाई देखो। अभी कुछ ऐसे रास्ते पे हैं, रथवा ढाब जिसने नाम सुना होगा तो उसको पता ही होगा, उधर ये बजाना है भाई। अभी कुछ हम इस प्रकार के लोकेशन पर हैं, धूप भी है, बादल भी है, सब कुछ है, बारिश ना है, बस छाता नहीं है बस हमारे पास। चेक कर लो गाइस, धूप भी निकली हल्की हल्की। और भाई अब आपको मिलते हैं इसी तरह थोड़ा ढाब में। और भाई बहुत थकान लग रही है, कोई नहीं, आपको मिलते हैं सीधा आगे थोड़ा ढाब के आसपास। चलो गाइस, तो ये आ गया अपना रथवा ढाब, अभी जाना है थोड़ा सा रह गया बस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रथवा ढाब, लेकिन अभी भी यहाँ से है जहाँ पे मैकेनिक का दुकान है वहाँ पे है थोड़ी दूरी अभी है यहाँ से, ये 1.5 किलोमीटर होगा बस यहाँ से। पर लेकिन जो यहाँ के चौके हैं जंगलात वाले, मतलब जो जंगली जानवरों की रक्षा करते हैं, उनकी यहाँ से शुरू हो जाता है अपना रथवा ढाब। तो कुछ नहीं, यहाँ से पता नहीं लगता रास्ता का, तो ये थकान बहुत लग चुकी है। अब थोड़ा प्लेन रास्ता है, पीछे देखो प्लेन वहाँ से, लेकिन भाई धूप चढ़ाई थी और बहुत थक लग गई भाई, थकान नहीं लग गई है तो क्या ही बोले। अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ जहाँ पे मैकेनिक की दुकान है, चलते हैं उसको पूछते हैं क्या क्या खराबी है, मैं आपको सीधा आगे चलूँगा। तो फाइनली गाइस, स्कूटी बनी नहीं, वो मैकेनिक कहीं जा रहा था, किसी गाड़ी ख़राब हो गई तो उसको बनाने जा रहा था, उसने कहा कल आना है। और अभी भी भाई हम 5 किलोमीटर पैदल गए और पैदल ही आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।